Good morning everyone, once again welcome back. Today we will start with the nomenclature of polyfunctional compound. देखिए polyfunctional compounds क्या होते हैं कि आपके पास एक chain में एक से ज़्यादा functional group present है, different functional group present है. अब now the question arises कि अगर आपके पास सारे के सारे different functional group present हैं तो आप priority किसको देंगे, क्योंकि secondary suffix तो एक ही होगा. For giving that priority you have to follow this order. देखिए ये सारे आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं. दिस इज़ द सीरीज और द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. जो सीरीज़ में सबसे पहले आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप. उसके अलावा जो होंगे फंक्शनल ग्रुप उनको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है जी, ये सब ये टेबल आप सबके पास है. ठीक है जी, देखिए अगर COOH फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यूज़ हो रहा है तो उसको यूज़ करेंगे एज अ सेकेंडरी सफिक्स. तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होगा ओइक एसिड और सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी. दैट मीन्स अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखते हैं एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स, जब वो रिंग से डायरेक्ट अटैच हो या उसका कार्बन चेन में काउंट ना हो रहा हो. नेक्स्ट इज SO3H, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स है सल्फोनिक एसिड और सेकेंडरी प्रीफिक्स है सल्फो. ठीक है जी, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसके लिए कोई भी टर्मिनल वो नहीं है. देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में एस्टर. एस्टर के लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइट एंड द कंप्लीट नेमिंग इज एल्काइल एल्केनोइट. अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ होता है तो इसको बोला जाता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, और अगर ये रिंग पे डायरेक्टली अटैच हो दैट इज कार्बोक्सिलेट. सो इन द सेम वे दिस कंप्लीट टेबल इज गिवन टू यू, जिसमें आपको ये मेंशन है कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज़ हो रहा है तो उसके लिए क्या नेमिंग होगी, जब वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स उसको क्या बोलेंगे, या वो जब रिंग पे डायरेक्ट लग रहा है तब उसे क्या बोला जाएगा. ठीक है जी, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ सम एग्जांपल्स. देखिए फर्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये कार्बोक्सिलिक और ये OH. देखिए कार्बोक्सिलिक सीरीज में सबसे पहले आता है तो ये हो जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप. प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मीन्स इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ सेकेंडरी सफिक्स. OH सीरीज में बाद में आता है तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसकी नेमिंग हम करेंगे एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स. देखिए इस चेन में हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, 2 पे हाइड्रोक्सी. OH जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी. प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, चेन में कोई भी साइक्लिक नहीं है. वर्ड रूट कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4 कार्बन आर देयर इन द चेन, तो दैट इज ब्यूट. प्राइमरी सफिक्स इज एन, ऑल आर सिंगल बॉन्ड. सेकेंडरी सफिक्स COOH के लिए होगा हमारे पास ओइक एसिड. ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमारे पास दो ग्रुप्स हैं NH2 और OH. सीरीज में जो OH है वो पहले आता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, तो ये यूज होगा एज अ सेकेंडरी सफिक्स, और NH2 यूज होगा एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट. तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सबसे पहले होगी, थर्ड पोजीशन पे है, 3 अमीनो. वर्ड रूट इज ब्यूट. प्राइमरी सफिक्स इज एन, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं. सेकेंडरी सफिक्स विल बी 2-ol. ठीक है जी, सेम इज द केस विद द थर्ड एग्जांपल. देखिए यहाँ पे तीन फंक्शनल ग्रुप हैं, NH2, OH और कीटोन. कीटोन सीरीज में तीनों में से सबसे पहले आता है तो वो मेन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर होगा, और उसकी नेमिंग होगी एज अ सेकेंडरी सफिक्स. ये दोनों हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट. देखिए कीटोन नंबरिंग जिस मर्जी साइड, कीटोन को थर्ड ही पोजीशन मिल रही है. ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम पोजीशंस मिलती हैं अगर इधर से भी, लेकिन अल्फाबेटिकली इसको छोटी पोजीशन मिल सकती है तो हम इसे पहले दे देंगे. तो 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी. वर्ड रूट इज पेंट. प्राइमरी सफिक्स इज एन, सेकेंडरी सफिक्स इज 3-ol. ठीक है, सेम इज़ द केस विद द फोर्थ एग्जाम्पल. चलिए एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल, आई होप जो बीच में और एग्जाम्पल्स हैं आप लोग उनको ट्राई करेंगे. एक बार ये सेवन्थ और एट्थ एग्जाम्पल को देखिए ज़रा. देखिए सेवन्थ एग्जाम्पल में क्या है, आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ भी है और कार्बोक्सिलिक भी है. ठीक, कार्बोक्सिलिक सीरीज में पहले आता है. सी डबल बॉन्ड ओ के लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑक्सो भी होता है और कीटो भी हो सकता है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. तो 3 पे ऑक्सो, ब्यूटेनोइक एसिड. एक केस है आपके पास ये, देखिए यहाँ पे आपके पास COOH है, NH2 है, OH है और एल्डिहाइड है. ठीक है,
अब एक कंडीशन ये आती है कि आप सी एच ओ का कार्बन यूज़ करें। देखिए प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो आपका यही रहेगा, बाकी सारे क्या हैं ये सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है जी। तो इनकी नेमिंग होगी एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखिए अगर सी एच ओ को एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं या तो हम ऑक्सो या फिर फॉर्मल, लेकिन अगर आप सी एच ओ का कार्बन काउंट कर लेते हैं तो आप सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं ऑक्सो। लेकिन अगर आप सी एच ओ का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं करते हैं तो आप ऑक्सो की जगह यूज़ करते हैं फॉर्मल। आई एम रिपीटिंग कि अगर आप मेन चेन में सी एच ओ को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते